हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप अपने बालों को घर पर ही परमानेंटली स्ट्रेट कर सकते हैं। हम सबको स्ट्रेट हेयर काफ़ी ज़्यादा पसंद होते हैं और पार्लर में हेयर स्ट्रेटनिंग कराना काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ जाता है, जो हर लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। तो और वो भी हेयर स्ट्रेटनिंग हमारे बालों मैक्सिमम 4 to 5 मंथ ही दिखते हैं। उसके बाद जो हमारे बालों की कंडीशन होती है वो आप सब जानते हैं, कितने ज़्यादा फ्रिजी हो जाते हैं, कितने अजीब हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। अगर वहीं आप घर पर नेचुरल चीज़ों से, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स अगर आप बालों को स्ट्रेट करते हैं तो आपके हेयर लॉन्ग टाइम तक स्ट्रेट रह सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आपने बालों को स्ट्रेट कर सकते हैं घर के सामानों से, और बहुत ही इजी है, ज़्यादा इसमें टाइम भी नहीं लगेगा। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसे प्रिपेयर करने के लिए आपको चाहिए फ्लैक्स सीड यानी कि अलसी के बीज, 1 कप आपको लेना है। आप इसको किसी बर्तन में डालिए और इसमें ऐड करेंगे 2 ग्लास पानी। दो ग्लास पानी डालने के बाद आपने इसको गैस पर रख देना है और लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको पकाना है थोड़ी देर। पकाने के बाद ये जेल में कन्वर्ट हो जाएगा, धीरे धीरे ये जेल में कन्वर्ट हो जाएगा। जब तो आपने इसको ज़्यादा नहीं पकाना है, जब ये थोड़ा जेल फॉर्म में आ जाए तो इसे गर्म गर्म ही हम छान लेंगे, क्योंकि अगर ये ठंडा हो जाएगा तो छानने में प्रॉब्लम होगी। तो इसको गर्म गर्म छानने के बाद इसे ठंडा होने के लिए थोड़ा सा वेट करेंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तब भी इसमें दूसरा इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे, गर्म में ही हमें ऐड नहीं करना है। तो अब ये ठंडा हो चुका है, अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच हनी। हनी क्या करेगा कि आपके बालों को बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र देता है। अब आपको इसमें ऐड करना है 1 चम्मच एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल इसलिए ऐड करते हैं कि अगर आपको कोई इन्फेक्शन है आपके बालों में, या डैंड्रफ है, या डैमेज है आपके बाल, या कोई भी परेशानी है, तो एलोवेरा जेल इन सब प्रॉब्लम्स को दूर करेगा। अब इसमें तीसरा इंग्रेडिएंट जो ऐड करना है, 1 चम्मच कैस्टर ऑयल और 1 चम्मच कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल और कैस्टर ऑयल बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा मैजिक करता है। ये दोनों ऑयल आपके बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो इसमें 1 चम्मच दोनों तेल मिलाएंगे। लास्ट इंग्रेडिएंट्स जो ऐड करेंगे वो है नींबू। अब इन सब को मिक्स कर लेना है बहुत अच्छे से। तो हमारा हेयर मास्क रेडी है। अब आपको अपने बालों को टेंगल फ्री करना है और आपको इसे थोड़े थोड़े बालों में लेकर स्कैल्प और लेंथ में इस तरह से लगाते जाएं। और पूरे बालों में अच्छे से लगाने के बाद आपको बालों को क्लेचर या फिर बालों को बांधना नहीं है, बालों को बस ऐसे ही छोड़ देना है, खुले रहने देना है। आपको 2 से 3 घंटे बाद नॉर्मल पानी से वॉश कर लें और फिर शैम्पू कर लीजिए। देखिए, ये आपके बालों पर डिपेंड करता है। हो सकता है किसी को एक ही बार रिजल्ट मिल जाएगा बहुत अच्छा, हो सकता है किसी को थोड़ा टाइम भी लग सकता है, क्योंकि हर इंसान के बालों की क्वालिटी, बालों का टेक्सचर अलग अलग होता है। इसीलिए इसको हफ्ते में एक बार ज़रूर लगाएं और फिर देखिए मैजिक। हो सकता है आपको एक ही बार रिजल्ट बहुत अच्छा मिल जाएगा, या फिर आपको थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है। अगर आपके बाल बहुत ही ज़्यादा फ्रिजी हैं, बहुत ही ज़्यादा डैमेज हैं, तो आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। बट अगर आपका नॉर्मल थोड़ा बहुत ही प्रॉब्लम है आपके बालों में, तो आपको एक ही बार में रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। इसको ट्राई करिए और फिर देखिए मैजिक। आपको स्मूथनिंग, कैरेटिंग, रिबाउंडिंग कराने की पार्लर में फिर कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको हफ्ते में एक बार ज़रूर ट्राई करिए, फिर आपके बाल परमानेंटली धीरे धीरे खुद ही स्ट्रेट हो जाएंगे। तो यही थी आज की मेरी वीडियो। अगर पसंद आई हो तो उसे लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, और बगल में जो बेल आइकन है उसे ही प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज़।